upon Sri Lanka. That means welcome to Sri Lanka. Sri Lanka हम आ चुके हैं लगभग 4:30 बजे. हम एयरपोर्ट से चले पिन्ना वाले एलिफेंट ऑर्फोनेज के लिए. और अगर आप सामने देखें तो हम पिन्ना वाला एलिफेंट ऑर्फोनेज के बिल्कुल बाहर हैं. और ये लगभग 8:30 बजे खुलेगा. और तब तक के लिए हमारे पास इनफ ऑफ टाइम है कि हम रिलैक्स करें और थोड़ी देर अपना ब्रेकफास्ट करके आगे चलें. तो वेट करते हैं पिन्ना वाला एलिफेंट ऑर्फोनेज के एलिफेंट से मिलने की और देखते हैं कि कैसा ये अट्रैक्शन है श्रीलंका का, क्योंकि ये काफ़ी फेमस है. और लेट्स सी, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, देखने की ज़रूरत है. तो चलिए मिलते हैं पिन्ना वाला एलिफेंट ऑर्फोनेज. सी यू. ये एंट्रेंस है पिन्ना वाला एलिफेंट ऑर्फोनेज का और यहाँ से हम अंदर की ओर जा रहे हैं. सो दिस इज द एंट्रेंस ऑफ एलिफेंट ऑर्फोनेज इन पिन्ना वाला. आयुभुवान श्रीलंका, आयुभुवान पिन्नावाला. दैट मीन्स अगेन वेलकम टू श्रीलंका, वेलकम टू पिन्नावाला. इशू लेसेस खुले हैं तेरे. नाउ वी आर इनसाइड द एलिफेंट ऑर्फनेज और हमें बताया गया है यहाँ पर करीब 70 से 80 एलिफेंट्स हैं. सो हम चले जा रहे हैं देखने के लिए कि कहाँ पर हमें एलिफेंट्स मिलते हैं और आपसे कनेक्ट करते रहेंगे बीच बीच में. लेट्स गो. और लगभग 2 मिनट का, सिर्फ 2 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस के बाद हमें ये व्यू मिल रहा है. देख सकते हैं आप ये 2 गजराज, इनफैक्ट 3 गजराज यहाँ कैसे विचरण कर रहे हैं. और ये 3 नहीं है, ओ माय गॉड, पूरा एक ग्रुप है. पास नहीं जाना है एलिफेंट्स के. ये इंक्लोजर बनाया हुआ है उन्होंने जहाँ से आप एलिफेंट्स को देख सकते हैं खाते और पीते हुए. पूरा फैमिली है यहाँ पर जिसमें एक बेबी एलिफेंट भी है अगर आप देख पाएँ तो, जो अपने पेरेंट्स के बीच में जाकर छुप रहा है. पूरा एक बिग फैमिली. उधर एक और छोटा बेबी है. बहुत शर्मीले होते हैं ये हाथी, इसलिए आप देखिए जो बेबी एलिफेंट है इसने कुछ खाने के लिए उठाया और वहाँ से वो वापस निकल लिया अपने ग्रुप के अंदर. एलिफेंट ऑर्फनेज के बारे में आपको अच्छे और बुरे व्यूज़ दोनों देखने और सुनने को मिलेंगे, लेकिन एज ए ट्रैवलर ये आपको डिसाइड करना है कि ये एनिमल्स के अगेंस्ट क्रुअल्टी है या जो एक कैप्टिविटी जो बनाई गई है इन एलिफेंट्स के बेनिफिट में है. पूरा फैमिली एलिफेंट्स का एंजॉय कर रहा है अपनी मॉर्निंग ब्रेकफास्ट को, जो कि गन्ने हैं. और यहाँ पर
तरह तरह के पैकेजेस होते हैं। अपार्ट फ्रॉम एंट्रेंस टिकट, आप एलिफेंट्स को फीड कर सकते हैं, एलिफेंट्स के साथ बात कर सकते हैं। बात से मतलब है बात नहीं, हिंदी वाली बात नहीं, इंग्लिश वाला बैद, BATH। और आप चाहें तो एलिफेंट्स के साथ वॉक भी कर सकते हैं। ये दो तीन पैकेज हैं और शायद हम एलिफेंट्स को फीड करने या वॉक करने वाला पैकेज अभी ऑप्ट करेंगे। वहाँ पीछे दो बेबी एलिफेंट्स अटके लिया कर रहे हैं, झगड़ रहे हैं लगता है एक दूसरे से, एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की, जो आमतौर पर हम इंसानों का काम है। श्रीलंका में टूरिज्म फिर से शुरू हो चुका है। अगर आप देखें तो यहाँ पर्याप्त मात्रा में टूरिस्ट हैं इस समय, जबकि एक वर्किंग डे है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये लोकल्स नहीं हैं बल्कि टूरिस्ट हैं जो श्रीलंका आए हैं यहाँ के अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन को कवर करने के लिए। चलिए यहाँ से आगे की ओर बढ़ते हैं और सेकंड पॉइंट पे चलते हैं, जहाँ पर शायद फीडिंग अलाउ होगा एनिमल्स को। और अब ये एलिफेंट्स को फीड करवाया जा रहा है और एलिफेंट ये इंटरेस्टेड हैं खाने के लिए और उन्होंने पाइनएप्पल खा लिया इस समय। अगला नंबर, अराइना माउथ में इशिता, लो लो, इट्स ए यूनिक एक्सपीरियंस। देखो इधर अराइन इश्ता, इधर देख पापा की तरफ, देखो पापा की तरफ, देखो उधर। आठ नहीं सात जुड़े थे, दो बच्चे नहीं नहीं सात बड़े और दो बच्चे, इन दोनों का एक ले लो ना बच्चों का, हमें 6400 दिए मैंने। सो ये पूरा ब्रेकफास्ट करते आ रहे हैं। हाँ, और ब्रेकफास्ट खत्म होता जा रहा है बट इनका पेट नहीं भर रहा है। और लेकर आओ, और लेकर आओ। इनसे इनको छौक नहीं लगेगा। हाँ अरवी दे दो, लो लो, एक और दे दे, एक और पकड़ो, अरे ना पकड़ो एक दो, लो चलो और कौन ना बाहर।
और सेल्फी सेशन शुरू हो चुका है। हालांकि इस सेशन के कोई चार्जेस नहीं हैं, आप इनको फीड कर सकते हैं, इनके साथ सेल्फी ले सकते हैं, जो कि लोग यहाँ कर रहे हैं। जो महावत भाई साहब हैं वो उनको थोड़ा सा प्रोटेक्ट कर रहे हैं और लोगों को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एक यूनिक एक्सपीरियंस है ये, और जो भी यहाँ आते हैं उनको लेना चाहिए ये एक्सपीरियंस एक बार। सो यहाँ से अब हम जा रहे हैं वापस, और वो आप देख सकते हैं एक हाथी जी वहाँ एंजॉय कर रहे हैं एक शेड के अंदर। और भीड़ का या कहना चाहिए लोकल टूरिस्ट का आगमन अब शुरू हो चुका है। ऐसा नॉर्मली आप इंडिया में या कहना चाहिए दिल्ली में टूरिस्ट स्पॉट्स पे नहीं देखते हैं कि किसी वर्किंग डे पर इतना ज़्यादा लोकल क्राउड किसी टूरिस्ट स्पॉट पे देखने को मिले। और यहाँ जो शेड्स बने हुए हैं इनको देख के ऐसा लग रहा है कि ये शायद इनके रहने का स्थान है, जहाँ पर एलिफेंट्स रात में आराम करते होंगे। और ये हमारा एग्ज़िट गेट है, यहाँ से हम जा रहे हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर, और आपसे कनेक्ट करते हैं फिर वहीं पर। यहाँ से मिलते हैं हम आपसे अपने श्रीलंका के नेक्स्ट वीडियो में, जो कि कैंडी होगा। और तब तक के लिए गुड बाय।